हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये है संडे का मॉर्निंग का टाइम, संडे का दिन था और मैंने सैंडविच बनाया था, चीज़ सैंडविच, बहुत ही सिंपल वाला बनाया था और चाय बनाया था। बस आलू की स्टफिंग जो होती है वो, और ऊपर से थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड कर दिया था। तो बस हमारा ये सैंडविच और चाय, हमारा नाश्ता हो गया था। और हमें निकलना था, थोड़ा बहुत सामान लेना था, इसलिए क्योंकि वीकेंड आता है ना, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ घर का लेना ही होता है। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा आउटिंग हो जाता है। आरुष को भी पूरे हफ्ते स्कूल जाओ तो फिर वो थोड़ा सा ये हो जाता है ना, तो हम लोग घूम फिर लेते हैं और थोड़ा मन भी अलग सा, मतलब कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और बस यही है। तो सैंडविच मैंने खा लिया था और ये है मेरी चाय। और फटाफट से अभी हम लोग सबसे पहले काम करने गए थे, आरुष का ड्रेस जो था, उसका जो कपड़ा है वो स्कूल की तरफ से मिल गया था, तो फिर हम इसका ड्रेस सिलवाने के लिए गए थे। आज इस बार ना ड्रेस थोड़ा सा अलग दिया गया है, इसलिए तो अभी वही यहाँ पे ना टेलर भी हमें ना ढूंढना पड़ता है। पिछली बार का था वो अच्छा, उतना अच्छा नहीं सिला था, तो इस बार हमने बस चेन्नई में यही है ना कि रहने लगो ना, अब हमारा यहाँ मन लग गया है और बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलने लगी है कि हाँ यहाँ पर ये मिलता है, यहाँ पर ये मिलता है। तो बस यही है। और उसका जो कपड़े का नाप होता है वो हमने दे दिया था। और उसके बाद फिर अभी जाएंगे हम लोग मॉल, क्योंकि मॉल में कुछ काम है, सामान वामान लेना है इसलिए। और काफ़ी धूप थी, बहुत धूप थी यहाँ पे। और ये ना देखो, पुदीना और धनिया पत्ता सब ये यहाँ रखा हुआ है, लेकिन मैं ना पालक, जब से मैं चेन्नई आई हूँ मैंने पालक पनीर नहीं खाया है, क्योंकि अपने यहाँ जो पालक मिलता है ना वो यहाँ मिलता ही नहीं है। ये पालक ऐसा मिलता है और इसका टेस्ट ना बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। आप कितना भी अच्छे से बना लो ना, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं पालक उठाती ही नहीं हूँ। और फ्रूट्स वगैरह सब लेने थे, तो बस यही था। और यहाँ पे ना जो केरल में जो जितना भी गरम मसाला मिलता है ना, यहाँ पे प्योर गरम मसाला मिलता है, आप देख सकते हो। तो बस यही सब सामान सब लेना था। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे गीतम में खाना, एक्चुअली 4 बज गए थे, तो मैंने कॉम्बो जो चाट थाली होता है ना वो मंगाया था। इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, बहुत टेस्टी ये थाली होती है, तो मैंने वो मंगवाया था। और इसमें मैं और आरुष दोनों मिलकर खाए थे और इतना खा भी नहीं पाई थी मैं, और हस्बैंड ने ओनली समोसा मंगाया था इसलिए। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर, और इतनी ज़्यादा रश होती है ना गीतम में कि सैटरडे संडे को ना आपको वेट करना पड़ता है, तभी आपको कॉलिंग किया जाता है कि एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा लोग यहाँ पे वेट करते हैं, चाहे आप ब्रेकफास्ट करो, लंच करो या फिर डिनर करो, बहुत भीड़ होती है। और ये अगले दिन मंडे के सुबह का है जो, और उसके लिए मैं बना रही हूँ पास्ता। एक्चुअली मैंने उसके लिए उत्पम का बैटर बनाया था सूजी का, बट उठने के साथ ही जनाब ने कहा कि मुझे पास्ता ले जाना है स्कूल, तो बस ये इसका पास्ता हो चुका है रेडी, ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल दूँगी। उसने बोला मुझे चीज़ नहीं चाहिए, तो काफ़ी खुशी की बात है कि वो चीज़ खुद ही अवॉइड करता है। तो मैंने उसे पूछा तो थोड़ा चीज़ डाल दूँ, लेकिन चीज़ गर्म खाने में ही अच्छा लगता है, फिर वो ना बिल्कुल चमड़ी के जैसा हो जाता है ना, एकदम चूसा हो जाता है, इसलिए तो उसने मना कर दिया था। जा चुका है स्कूल और ये मशीन में साफ़ करके अभी टोस्टर का रख लूँगी। और उसके बाद फिर हस्बैंड के लंच में लग गई थी, और किचन मैंने रात को क्लीन नहीं किया था, संडे के नाइट को बहुत थक गई थी और थोड़ा बुखार फीवर जैसा लग रहा था, तो मैंने सोचा पहले फटाफट से इनका लंच दे देती हूँ, उसके बाद साथ ही मैं पूरा किचन क्लीन कर लूँगी। तो हो गया था उनका लंच तैयार और साथ में मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया। और आज मुझे बेडशीट चेंज करना है, तो पुर्णिंग के आने में टाइम था, तो फटाफट से मैंने अपना रूम का जो ये कंडीशन होता है ना, देख लो कैसी हालत है रूम की, ये लोग दोनों ऐसे ही फैला कर जाते हैं। तो बस फटाफट से मैं अभी बेडशीट चेंज करूँगी और सारा रूम में क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद पुर्णी भी अभी काम वाम करके जा चुकी है और मेरा पूरा घर ही क्लीन हो चुका है सब कुछ। उसके बाद मेरे आगे के जो काम होते हैं वो मैं करती हूँ। और अभी आज अच्छी धूप है और मेरा पूरा घर वगैरह क्लीन हो गया है। और कुछ जो शॉपिंग का सामान लेकर आई थी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, तो कल गई थी मैं मॉल, तो मॉल से मैंने कुछ किचन के आइटम्स लिए हैं, जिसमें मैंने ये बड़ा वाला जो मग होता है ना वो लिया है, बड़ा ये ग्रीन एप्पल का है और ग्रीन एप्पल का ब्रांड अच्छा होता है इसलिए। एंड इसके प्राइस जो है ना वो 129 है। इससे पहले जो मैं मग सेम यूज कर रही हूँ, बट उसकी साइज़ जो है वो इससे छोटी है,
तो वो मैंने 99 रुपीज़ का लिया था और ये मैंने 2 लिए हैं। और उसके बाद ये सब कुछ न्यूट्रेला, ये बटर वगैरह है, ये हमारा केचप जो ख़त्म हो गया था वो था। और एक्चुअली ये लिया है मैंने आलू मैश करने, या फिर आप पाव भाजी बनाते हो ना, या कुछ भी मैश वैश करना होता है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो बस ये लिया है मैंने। और 3-4 किचन के आइटम्स और लिए हैं मैंने। तो और ये ट्रे लिया है, ट्रे भी मेरे पास इससे छोटे 2-3 थे, और इससे बड़े साइज़ के, बिग साइज़ के भी थे, बट इतनी बड़ी साइज़ की मेरे पास नहीं थी, तो मैंने वो ली है। तो और वही जो होता है ओट्स वगैरह, जो किचन के सामान होते हैं ना, चिप्स वगैरह, वो लिया था। और ये मैंने लिए हैं कटर जो होते हैं ना बच्चों के, जो आप कुकीज़ बनाते हो या पराठे रोटी कुछ भी बनाओ ना, तो थोड़ा सा उसको आप कट करके देते हो ना, तो अच्छा लगता है देखने में, और बच्चों का ना खाने का इंटरेस्ट होता है ना, वो भी थोड़ा हो जाता है इसलिए। तो ये हर्ट शेप का है, ये एक्चुअली बीच वाला है, इससे बड़ा भी है, वो शायद पुण्य ने अभी धोया होगा। तो बस यही है, ये इसमें एक ये फ्लावर्स हैं, ये राउंड हैं, ये स्टार हैं, सारे ऐसे बने हुए हैं, तो ये मैंने लिया था। एंड उसके बाद अभी ये बिल्कुल हॉच पॉच सा हो गया है, तो ये मैंने मसाला ओट्स लिया था। कभी ब्रेकफास्ट में मुझे जल्दी से हल्का फुल्का कुछ लेना होता है तो वो ले लेती हूँ मैं। ये सिंपल ओट्स है, तो मैं हमेशा सफोला का ही ओट्स यूज करती हूँ। और ये रस लिया था मैंने, कभी शाम को चाय वाय के साथ ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है, उसके लिए लिया था। और ये चिप्स वगैरह और उसका है, और ये सब सामान पूरा मैसी है, इसको भी ठीक करना है सारा सामान। उल्टी जा चुकी है काम करके, जा चुकी है पूर्णी सारा काम वाम करके, उसने क्लीनिंग वगैरह कर दिया है। ये सब ये धो के ऐसे ही रख देती है ना, तो क्या होता है पानी जब इसके अच्छे से निकल जाते हैं ना, फिर उसको मैं सारा असेंबल कर देती हूँ, तो वो ऐसे ही बर्तन बर्तन धो के चली गई है। ये दूध अभी मैंने जस्ट, ये भैंस वाली दूध है, इसको मैंने जस्ट अभी बॉयल किया है, तो अभी इसको मैं अभी ढक देती हूँ मैं इसको। और ये है गाय का दूध, और ये कल रात वाली दूध है, इसको बॉईल करके इसका दही जमाना है, तो इसको भी मैं अभी ढक देती हूँ। और सारा काम वाम घर का पूरा हो चुका है, और अभी मैं थोड़ी देर करूँगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं, अभी घर का सारा काम वाम हो चुका है सब कुछ, अभी टाइम बज रहे हैं पूरे 11, और आरुष की जो स्कूल की छुट्टी होती है वो होती है 12:35 में, तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, 1.5 घंटा टाइम है, तो इसमें मैं सबसे पहले अपने एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगी, जो भी मेरा 30-45 मिनट जो भी हो पाता है वो मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मेरा जो नहाना वहाना जो पूजा पाठ होता है वो। तो ये जो अभी पूर्णी 11 बजे तक पूरा काम करके ये चली जाती है, तो ये जो 1 से 1.5 घंटा टाइम मिलता है ना, ये मेरा खुद का अपना टाइम होता है, तो इसलिए मैं अभी फटाफट से एक्सरसाइज करके और फिर वो नहाना वहाना करूंगी। और कल सामान हमने जो मॉल वॉल से लेकर आए थे, कुछ जैसे कि सर्फ एक्सल मैटिक मंगाया था मशीन के लिए, आटा आया है, ये सारे सामान है, इसको भी आराम से असेंबल कर रहा है, लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो और उसको स्कूल से लाने के बाद जब मैं लंच बनाऊंगी उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर आधा घंटा ये सब असेंबल करके तभी मैं उसको सुलाने जाऊंगी। तो चलिए फिर मैं अपना करती हूँ एक्सरसाइज, एंड उसके बाद फिर